27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार व बीजेपी पार्टी मिलकर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। बिलासपुर पहुंचने पर प्रदेश वन परिवहन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। 27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार व बीजेपी पार्टी मिलकर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। बिलासपुर पहुंचने पर प्रदेश वन परिवहन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। गोविंद ठाकुर का कहना है कि प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा रहा है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एक मुख्य उपलब्धि शामिल है। साथ ही उन्होंने जयराम सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर इसे जश्न की तरह मनाने और सरकार व बीजेपी द्वारा मिलकर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। गोविंद ठाकुर ने पूर्व वीरभद्र सरकार पर विकास के बजाय अदला बदले और राजनीतिक विरोधियों पर केवल जांच तक सीमित रहने का आरोप लगाते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जयराम सरकार के कार्यकाल को 100% बेहतरीन होने का दावा दिया है। 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक भी है और उपलब्धियों से भरा है और हिमाचल को बहुत सी बातों में नई दिशा दी है। तो बड़ा तो अभी ताज़ा तो अभी हमारे पास जो ये इन्वेस्टर मीट हुई है, यही ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इसलिए शानदार कार्यकाल है। और डेफिनेटली इस शानदार कार्यकाल के पूरा होते ही कि 2 वर्ष हमको हो गए हैं, तो इसके लिए प्रदेश में भी कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित सरकार और पार्टी के तौर पर होगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, जो पिछले समय में जो सरकार रही है कांग्रेस की, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वो सरकार सकारात्मक दृष्टि से कोई काम कर नहीं पाई।